हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुष्मिता, आप सबकी नई दोस्त और इस चैनल की होस्ट। सो कैसा रहा आप लोग का वैलेंटाइंस वीक? सच बोलूँ तो मुझे वैलेंटाइंस की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मुझे रोजेस भी मिले, चॉकलेट्स भी मिले एंड वैलेंटाइंस डे गिफ्ट भी मिला। एंड आई होप आप सबको भी मिले होंगे। सो क्या किया आपने रोजेस का? मेरे पास ना 2023 के रोजेस अभी तक है एंड मैं अपने रोजेस एंड उसकी मेमोरीज को लाइफ टाइम के लिए सेव करके रखती हूँ, वो भी बिना किसी मेहनत के। आज मैं आप लोग से वही ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने रोजेस को सेफ रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने चॉकलेट डे की मेमोरीज को भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रोज मुझे रोज डे पे मिला था, 2 दिन हो चुका है इसलिए थोड़ा सूख गया है ये। तो सबसे पहले मैं रोजेस को निकाल लेती हूँ और रोजेस में जो एक्स्ट्रा लीव्स अगर सूखे हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे सारे रोजेस को मैं छोटा करके एक ही साइज का कट कर लूंगी। अब कोई भी मोटी सी बुक या कॉपी मैं ले लूंगी और इसके अंदर इन रोजेस को मैं प्रेस करके रख दूंगी। तो जिस तरह से मैं इसको रखूंगी ना प्रेस करके, तो उसी का शेप ये ले लेगा। तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से जैसे मुझे रखना है लीव्स एंड पेटल्स को, उसी तरह से मैं धीरे से प्रेस करके इसको छोड़ दूंगी। तो अब इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा और ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से पूरी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि पूरा ड्राई होने तक इंतज़ार करना है। तो ये जो रोज़ है मेरा लास्ट ईयर का है, 2023 वैलेंटाइंस का है, तो ये काफ़ी टाइम हो गया है, बट अभी मैं इसको ही प्रिजर्व करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगी थोड़ा पेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखने के कारण इसका कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है एंड वाइट वाइट भी हो गया है। बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो पेंट कर भी सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। कि बहुत ज़्यादा डल लग रहा था तो मैं सोची कि थोड़ा पेंट कर देती हूँ रेड एंड ग्रीन, तो इससे जो डलनेस है वो भी चले जाएगा और ये अच्छा भी दिखेगा। तो यहाँ मैंने पेंट कर दिया है रेड एंड ग्रीन कलर में और ये पेंट करने के बाद ज़्यादा खिल गया है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब ये पेंट होने के बाद हमको क्या करना है, एक शीट लेना है और शीट को हमें 2 पीस में कट करके हमको बॉर्डर्स निकालने हैं, मतलब हमको 2 फ्रेम्स कट करने हैं। तो अब क्या करना है, अब इस फ्रेम में हमको सेलो टेप लगाना है। तो मैं यहाँ पे चौड़ी वाली सेलो टेप ले रही हूँ और फ्रेम को अच्छे से सेलो टेप से कवर कर दूंगी। अब इस रोज को फ्रेम के बीचों बीच हमें रखना है। याद है कि जो स्टिकी वाला हिस्सा है सेलो टेप का, उसी के ऊपर हमको इस रोज को चिपकाना है। अब एक छोटा सा नोट में लिखूंगी रोज डे और उसको भी इसके अंदर में चिपका दूंगी। अब जो दूसरा फ्रेम था उसको हमें इसके ऊपर ध्यान से चिपका देना है एंड ये प्रिजर्व हो गया हमारा रोज फॉर लाइफ टाइम। अब इसको एज अ बुकमार्क भी यूज़ कर सकते हो या एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो बुक में छुपा के भी रख सकते हो। एंड सिमिलर वे में हम चॉकलेट के रैपर को भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो रैपर है ना उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो फटे ना। तो बस हमको इसमें भी 2 फ्रेम बनाना है चॉकलेट के रैपर के साइज के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे लिख दूंगी चॉकलेट डे, आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, ईयर भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। और सेम वैसे ही जैसे हमने रोज को रखा था वैसे ही चॉकलेट को रख के चॉकलेट डे को भी चिपका देंगे यहाँ पे नोट को और बस इसको भी कवर कर लेंगे दूसरे फ्रेम से। और ये भी हमारा रेडी है बिल्कुल, चॉकलेट डे भी सेव हो चुका है एंड ये हमारा रोज डे भी सेव हो चुका है फॉर लाइफ टाइम। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना एंड ट्राई करने के बाद कैसा बना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना।